मजाक मजाक तो आपने मेरे साथ किया है कावेरी जी, दया शंकर के जरिए उन वर्कर्स को गुमराह करके, और उनके साथ ही नहीं मेरे साथ भी आपने धोखा ही किया है। क्या हासिल करना चाहते थे? पार्टी के सीनियर्स को यह दिखाना चाहती थी कि आप बहुत सक्सेसफुल हैं, ताकि वो आपको और प्रमोट करें, या फिर उस अमीर बिजनेसमैन का फायदा करवाना चाहती थी ताकि आपको मॉनेटरी फायदा हो। एक मिनट पति, जानते तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? कि तुम दिमाग से कम और दिल से ज्यादा सोचते हो। तुम्हें जरा भी एहसास है? जानते हो जो हरकत तुमने मेरे ऑफिस में आकर की है उससे मीडिया वालों को कितनी चटपटी खबर मिल गई है छापने के लिए? एज इट वो हमेशा मेरे पीछे पड़े रहते हैं। ये तो अच्छा है कि मेरे पॉलिटिकल कनेक्शन की वजह से ये सब कुछ हमने दबा दिया। और ये मत भूलो प्रति कि मैं तुम्हारी पत्नी हूं, इस घर की बहू हूं। अगर मेरी बदनामी होगी तो तुम्हारी बदनामी होगी, इस खानदान की बदनामी होगी। प्रति यहां प्लीज मेरी बात सुनो। प्रतीक, ना ही मैं तुम्हारी दुश्मन हूं और ना ही उन मजदूरों की, लेकिन जिस पोस्ट पर मैं बैठी हूं वहां मुझे कितने तरह के प्रेशर्स रहते हैं, और तुम इसी तरह अगर मजदूरों के साथ मिलकर लड़ते रहोगे तो ना ही मैं उन्हें न्याय दिला पाऊंगी और ना ही तुम्हें। बस मीडिया वालों को इश्यू मिल जाएगा छापने के लिए। तो क्या करूं मैं क्या करूं कावेरी? अपने कन्विक्शंस को भूल जाऊं, वर्कर्स का साथ छोड़ दूं और यूं ही हाथ पर हाथ धरे बैठा रहूं? क्या करूं मैं? नहीं प्रतीक, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कह रही हूं। मैं सिर्फ इतना कह रही हूं कि तुम मुझे थोड़ा सा स्पेस दो ताकि मैं वर्कर और मालिकों के बीच नेगोशिएट कर सकूं, और ऐसा ना लगे कि मैं तुम्हें फेवर कर रही हूं। सोचो अगर तुम्हारी वजह से मुझे इस पोस्ट से निकाल दिया गया तो दूसरा कमिश्नर आएगा, तुम्हें क्या लगता है वो मजदूरों का साथ देगा? नहीं ना, इसलिए मैं कह रही हूं कि मुझे इस केस को अपनी तरह से हैंडल करने दो। एंड प्लीज प्रतीक, अगली बार इस तरह मेरे ऑफिस में आके तमाशा मत करो।